ऐसी बड़ी संख्या में मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों से प्रेम कर रही है। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ। मैं ज्योति कुमारी, पिता श्री कृष्ण देव मोदी। मैं अभी घर से भागी हुई हूँ और अभी जहाँ पर भी हूँ सेफ हूँ। घर से भागने का रीजन यह है कि मैं एक मुस्लिम लड़का से प्यार करती हूँ जिसका नाम अजहर तनवीर है और मैं उनको अपना खतरनाक भविष्य दिख रहा है। अच्छा, हमको सिखा रहा है तुम किसी हिंदू बच्चों के साथ विवाह करेगी तो वो बच्चा तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करेगा। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। और तुमको क्या क्या फायदे होंगे, वो 10 फायदे मैं आज यहाँ हिंदुओं के साक्षी में हमारे भगवान का साक्षी मानकर क्या मेरे पर वीडियो में वचन देता हूँ कि अगर तुम हिंदू लड़कों के साथ विवाह करके हिंदू बनोगी तो तुमको तलाक का सामना करना नहीं पड़ेगा। तुमको बच्चे बनने की फैक्ट्री नहीं बनना पड़ेगा, 40-40 बच्चे नहीं पैदा करने पड़ेंगे। हाँ, मैं एक का तो समर्थक नहीं हूँ, लेकिन 2-4 बच्चे पैदा करने से ज्यादा बच्चे पैदा करने की तुम पर जबरदस्ती नहीं होगी। तुमको 50 डिग्री टेम्परेचर में भी तंबू में रहना नहीं पड़ेगा। तुम्हें घर में पूरी सुरक्षा मिलेगी। तुमको जैसे भाइयों से, चाचाओं से, मौसाओं से डर है, यहाँ पर नहीं है। क्योंकि हिंदू धर्म में हमारे बड़े भाई की पत्नी माँ होती है, छोटे भाई की पत्नी बेटी होती है और बेटे की पत्नी भी बेटी होती है। इतना पवित्र रिश्ता जिस परिवार में होता है वहाँ घर के अंदर तुमको 100% सुरक्षा की गारंटी है। भाई साहब का कहें, फिर आ गए हैं। बिना रिलाय के ये लोग को सुकूने नहीं मिलता है। ये कहते हैं कि घर में बेटी पुतों की इज्जत कैसे होती है, तो इसके ही पंचायत के संयोजक प्रीति सिन्हा जो कि अपने पत्नी के साथ क्या करते थे, क्या करवाते थे, ये वीडियो क्लिप देख लीजिए, तब पता चल जाएगा कि कैसे इज्जत होती है सबके घर में। दुष्कर्म करने की कोशिश करते थे। दुष्कर्म तो उन्होंने किया है साथ में, जब भी तो अम्मा ना करती थी तो मारते पीटते भी थे, यहाँ तक कि ससुर भी करते थे। और सास को बताया तो सास कह रही अच्छा हो रहा है तेरे साथ, तेरा पति तो वैसे भी घर में नहीं रहता है। सब मारते पीटते थे मेरे को। मेरी बहन को 3 महीने पहले ही पता चला था, जब उसने अपने हस्बैंड से बताई तो कह रही है अच्छा तो हो रहा है उसके साथ, तो उसके हस्बैंड ने भी उसको मारना शुरू करा। फिर कह रहा तू चुप बैठी रह, जो हो रहा है उसके साथ। तो भाई साहब देखे ना कितनी इज्जत होती है इस सबके घर में। अरे बोलता हूँ कि अपनी घर की इज्जत स्टेट पे शो पे बदनाम ना किया करो यार, खामा खा बदनाम करते। इसलिए कहते हमारे मुंह मत लगो, हमारे मुंह मत लगो, हमारे मुंह मत लगो, हमारे मुंह मत लगो। ऐसा अल्फाज की आतिश रुवाई करूंगा कि खुदा की कसम दिवाली के पटाखों की आतिशबाजी भी कम दिखेगी मेरी आतिश रुवाई के साथ।